सो भाई, अभी रिसेंटली मैं जो है दिल्ली गया था, और दिल्ली में मैं सेकेंड हैंड मोबाइल के सबसे फेमस शॉप जो कि है सेकेंड मूवी हब, वहाँ पे जो है विजिट किया। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेकेंड मूवी हब है उसका क्या रियलिटी है, और उसके बारे में मैंने जो है रिसेंटली एक वीडियो जो है पब्लिश किया है, तो वहाँ पर मैंने और भी बहुत सारे स्टोर के बारे में बताया है, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हो। बट अभी हम जो है स्पेशली बात करेंगे सेकेंड मूवी हब के बारे में। और आप अगर सेकेंड मूवी हब के बारे में नहीं पता है, तो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे आप अगर सेकेंड मूवी हब सर्च करोगे ना, तो सबसे सस्ते दामों पे मोबाइल फोन अगर दुनिया में कहीं पे मिलता है ना, तो वो सेकेंड मूवी हब में मिलता है, ऐसा आपको शो किया जाएगा। तो उसका क्या रियलिटी है, ग्राउंड लेवल पे जाके मैंने जो है वहां पे देखा है, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं। तो ये जो वीडियो है ये एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है, तो मेक श्योर जो वीडियो है उसको एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेकेंड मूवी हब है ये एक्चुअल में है कहाँ। तो इसका जो है दो ब्रांच है सेकेंड मूवी हब का, एक ब्रांच है मयूर बिहार में, दूसरा ब्रांच है जनकपुरी में, और दोनों ही दिल्ली में ही है। तो मैं जो जनकपुरी वाला ब्रांच है वहां पे विजिट किया था, और उसका जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपको आज जो है बताने वाला हूं। और उसका जो रियलिटी है ना उसी का ही तो क्लोन होगा बाकी जो दूसरा ब्रांच, क्योंकि जैसा फैक्ट्री है वैसा ही तो प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेकेंड मूवी हब है उसका क्या सीन है। तो देखो, ये जो सेकेंड मूवी हब है ना, तो सबसे पहले आप जब यहाँ पे जाते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई दुकान है, ठीक है। तो मैं इसके नीचे में खड़ा था और मेरे को भी खुद आइडिया नहीं था कि दुकान जो है ऐसे खोपचे में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, एक सीढ़ी से छोटा सा एक सीढ़ी होता है, उससे ऊपर में जाके एक कोने में इनका एक छोटा सा दुकान है। तो दुकान के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट जैसे ही मैं दुकान के अंदर में जाता हूँ तो मुझे देखने को क्या मिलता है कि जैसे इंटरनेट पे इन्होंने बहुत सारे फोन को दिखाते हैं कि हमारे पास में इतना स्टॉक है, इतना आपको आईफोन्स मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, घड़ी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो जैसे वहां पे मैं जाता हूं तो मुश्किल से मुश्किल वहां पे 50 फोन्स वहाँ पे रखे हुए थे, 50 से ज़्यादा फ़ोन वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो एक स्टोर में उतना ही फ़ोन्स वहाँ पे था, बाकी अगर स्टॉक वगैरह को कहीं पे छुपा के रखे होंगे तो वो एक अलग मैटर होता है, बट 50 फ़ोन वहाँ पे शो ऑफ करने के लिए वहाँ पे रखे थे। और उन 50 फ़ोन्स में भी आप वैरायटी जो है नहीं मांग सकते, क्योंकि जैसे कि आपकी आप अगर आईफोन्स 256 GB में चाहिए तो वो आपको एक पीस मिलेगा, वहाँ पे अलग कलर जो है अवेलेबल नहीं है, तो ये सारा सीन है। बट जैसे वहाँ पे एंटर करता हूँ तो सबसे पहला जो धक्का मेरे को लगा वो है उनका स्टाफ का बिहेवियर, ठीक है। तो उनका जो मालिक थे, मालिक का नाम था फतेह सिंह उनका मालिक का नाम है, और उनका भाई एक है, दोनों भाई जो है वहाँ पे रहते हैं, और उनका एक स्टाफ जो है वहाँ पे रहता है, दो स्टाफ मेनली रहते हैं, तो एक स्टाफ वहाँ पे था। तो वो जो स्टाफ है ना उसका बिहेवियर मेरे को सबसे ज़्यादा खराब लगा, और वो जो स्टाफ है ना उसका क्या बोलूँ मैं, अगर अपने एरिया में होता है ना तो साले का कान लाल कर देता, ठीक है। उतना खराब बिहेवियर जो है वो जो स्टाफ है वो प्रोवाइड करता है हर एक कस्टमर को, ठीक है। अगर आप उससे बोलते हो कि कोई फ़ोन को, जैसे कि मान के चलो कि कोई फ़ोन बॉक्स में है, और बॉक्स में आप बोलते हो कि मेरे को वो जो बॉक्स वाला फ़ोन है वो दिखाओ, तो वो क्या करेगा आपको पता है? तो जैसे बॉक्स को वो खोलेगा, फ़ोन को निकालेगा और फ़ोन को ऐसे दिखाएगा, ठीक है, ये एक फ़ोन है, इसको ऐसे देखो भाई, ऐसे देखो, ऐसे करेगा, ठीक है। आपको देगा नहीं, आपको नहीं देगा फ़ोन नहीं देगा आपको, बस ऐसे दिखाएगा, देखो भाई ऐसा है, ये है फ़ोन, हाथ नहीं लगा सकते आप फ़ोन को, वो दिखाएगा आपको, ठीक है, और वो वापस बॉक्स में रख देगा। अगर जो फ़ोन है वो डेमो पीस अवेलेबल हैं देखने के लिए, या फिर जो सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड जो फ़ोन वगैरह पड़े हुए होते हैं, उन फ़ोन्स को वो आप तक जो है दिखा सकता है, एक ही बार में एक फ़ोन आपको देखने को मिलेगा और आप इजीली उसे देख सकते हो। बट जो बॉक्स पैकिंग वाला फ़ोन है उसको ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा, उसको छू नहीं सकते आप। अगर आपको छूना है ना तो आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप जो फ़ोन है उसको छू सकते हो। ये है वहाँ का सीन। अब उनका जो स्टाफ का बिहेवियर वगैरह है वो तो मैंने देख लिया, बाकी जो फतेह सिंह हैं उनसे भी मैंने बात किया तो वो काफ़ी अच्छे एक इंसान लगे। उन्होंने जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, जो पानी वगैरह है वो भी पिलाया। बट आप एक स्टोर के मालिक के साथ में कैसे बात करोगे? जब आप कोई भी फ़ोन को खरीदना है या फिर मेन कोई बात करना है तब जाके आप एक स्टोर के मालिक के बारे में मालिक से बात करोगे ना। अगर कोई फ़ोन को देखना है या फिर कोई फ़ोन का जो प्राइस वगैरह पूछना है या फिर उसका क्या वारंटी का क्या सीन है, क्या फीचर्स हैं या फिर क्या प्राइस है, कुछ भी पूछना है तो वो स्टाफ से ही आप पूछोगे, मालिक से तो पूछ नहीं सकते आप, तो स्टाफ उसी के लिए तो है। पर जो स्टाफ है ना वो उतना बदतमीज है साला, क्या बताऊँ मैं उसका, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, ठीक है।
तो यही है रियलिटी। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही मैंने एक आईफोन का प्राइस के बारे में, सबसे पहले मैंने जो सेकंड मोबी हब है उसको मैंने कॉल किया था, ठीक है। तो कॉल करता हूँ तो मेरे को बोलते हैं कि एक आईफोन का प्राइस जो है वहाँ पे 86,000 रुपीज़ है, ठीक है। जब मैं वहाँ तक जो है पहुँचता हूँ और वहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मेरे को वो जो आईफोन है वो दिखाओ, तो वो बोलते हैं उस प्राइस का जो उस फोन का जो प्राइस है वो 88,000 बोलते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही बोलता हूँ कि फोन पे तो आपने 86,000 बोला था, अब मैं आया हूँ तो आप 88,000 बोल रहे हो, तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो आपको 86,000 में दिया जाएगा और एक्स्ट्रा जो है 500 रुपीज़ भी आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ये सीन है उसका। तो फोन में आप कुछ और बोल रहे हो और ग्राउंड लेवल पे आपको कुछ और सुनने को मिल रहा है, ये सीन है दूसरा चीज। अब सेकेंड मूवी हब में मैंने कुछ और भी चीजें देखा कि आपको वहां पे हर तरीके का जो फोन है वो एक पीस भले ही हो बट मिल जाएगा आपको हर तरीके का फोन, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया का फोन आप अगर लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, आप सेकेंड हैंड कोई फोन को परचेस करना चाहते हो वो भी मिल जाएगा। बट इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वो लोग जो बोलते हैं ना कि आपको आईफोन जो है इतने सस्ते में दे देंगे, सैमसंग के जो फोल्ड है, फ्लिप है, या फिर सैमसंग के फोन है वो इतने सस्ते में आपको मिल जाएगा, या फिर आईफोन का आपको ये बिल मिलेगा, बॉक्स मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेट पे वो जो चीजें दिखाते हैं ना वो सब कुछ रियलिटी में है ही नहीं, ठीक है। अगर आप उनसे बोलते हो कि इंटरनेट पे मैंने तो इतना प्राइस के ऊपर में फोन देखा था बट रियलिटी में जो है फोन मिल नहीं रहा है, तो वो बोलेंगे कि वो जो स्टॉक था ना वो खत्म हो गया, या फिर जो ऑफर्स वगैरह है ना वो सैटरडे संडे या फिर मंडे ट्यूसडे को ही लगता है, उस टाइम पे आप अगर आओगे तो आपको उतने प्राइस के ऊपर में फोन मिलेगा, ये सीन है उन लोगों का। तो यही है कुछ रियलिटी सेकेंड मोबी हॉप का। और बेसिकली मैं डायरेक्टली आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो जो चीज़ सही है ना सही है, मैं ग्राउंड लेवल पे जाके ही ये सारे चीज़ को जो है फील किया हूँ, महसूस किया हूँ, देखा हूँ, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा कोई खासा उनके साथ में दुश्मनी है नहीं ये सारी चीज़ को बताने का। बाकी आप अगर चाहते हो कि सेकेंड मोबी हब से ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना, जैसे कि वो लोग भी बोलते हैं कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप जो है ऑनलाइन हमसे मंगा सकते हो, तो ऐसा कभी गलती करना भी मत, ये गलती आप कभी मत करना कि आप उनसे कभी भी ऑनलाइन जो है कोई भी फ़ोन वगैरह बाय मत करना, और इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। क्योंकि आप अगर ख़रीदना ही चाहते हो तो आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे देखो, समझो, सीखो, उसके बाद में वहाँ से ख़रीद के लाओ। बाकी आप अगर ऑनलाइन वगैरह इनसे अगर ख़रीद लेते हो और जो फ़ोन है उसमें कोई दिक्कत आ जाता है ना भाई, तो आपका पैसा गया, ये लोग दोबारा रेस्पॉन्स करेंगे नहीं, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। कुछ भी खरीदना है तो आप यहाँ पे जो है जा सकते हो, बाकी ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह मत करना। बाकी ये जो वीडियो है इसमें मैंने सेकंड मूवी हब का जो रियलिटी है वो बताया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली का हमारा सीरीज देखना चाहते हो तो नीचे में एक हमारा ब्लॉग चैनल है प्रो राइडर्स, वहाँ पे जाके हमारा जो डेली ब्लॉग सीरीज है उसको जो है देख सकते हो। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।